फ़ोन वन। हाँ गाइज, आप लोग यहाँ पे जानते हैं कि नथिंग की तरफ से नथिंग फ़ोन वन आ रहा है, और इस फ़ोन का जो यहाँ पर इतना कुछ लीक्स आ रही है, आप कह सकते हैं फ़ोन ज़्यादा तक बाहर आ ही चुका है। इसमें हम बात करने वाले हैं इसी फ़ोन के बारे में, तो पूरा वीडियो देखिएगा, जल्दी वो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा आपने नहीं किया है। आज का वीडियो स्टार्ट करिए। यहाँ पर पर्सनली ना मुझे ना नथिंग फ़ोन वन जो है ना बहुत ज़्यादा बढ़िया लग रहा है, और इसकी जो स्पेसिफिकेशन है वो तो और बहुत ज़्यादा बढ़िया है। चलिए बात कर लेते हैं फ़ोन के बारे में, तो सबसे पहले स्पेसिफिकेशन ही में आता हूँ, देन बाद में बात करेंगे बिल्ड डिज़ाइन के बारे में, तो सॉरी स्पेसिफिकेशन में आते हैं, देन बाद में बात करेंगे प्राइस एंड लॉन्च डेट के बारे में। तो अगर मैं बिल्ड डिज़ाइन में आ जाता हूँ, तो फ़ोन बहुत ज़्यादा प्रीमियम, एक यूनिक डिज़ाइन दिया गया है जो मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, अलग हटके है, जो बहुत ज़्यादा बढ़िया लगा मुझे। एंड पर्सनली मुझे तो फ़ोन का डिज़ाइन बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और बहुत सारे लोगों को अच्छा लगेगा, बहुत सारे लोगों को अच्छा नहीं भी लगेगा, क्योंकि थोड़ा सा अलग काम किया है, कभी कभी किसी को अच्छा लगता है, कभी किसी को अच्छा नहीं भी लगता, बट मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगा। अगर हम डिस्प्ले बात कर लेते हैं, तो आपको जो डिस्प्ले है वो आपको मिलने वाला है 6.5 इंच का एक ओलेड वाला डिस्प्ले, सेंटर पंच होल के साथ फुल एचडी प्लस डिस्प्ले होगा। इन डिस्प्ले पर फिंगरप्रिंट सेंसर भी आपको देखने मिल जाने वाला है, और यहाँ पर आप लोगों को 120 रिफ्रेशिंग रेट भी देखने मिल जाने वाली है। जो डिस्प्ले में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, आप लोगों को बहुत ज़्यादा बढ़िया स्मूथ एंड बहुत अच्छा क्वालिटी वाला डिस्प्ले इस्तेमाल किया गया है, तो वहां पर आपको कोई टेंशन वाली बात नहीं है। चलिए चिपसेट में आ जाते हैं। चिपसेट जो यहां पर आपको दिया गया है वो बहुत ज्यादा बढ़िया स्नैपड्रैगन का 7-1 जेन वाला आपको चिपसेट मिल जाता है, तगड़ा चिपसेट है, परफॉर्मेंस एकदम तगड़ी वाली हो जाने वाली है, गेमर्स के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है। अगर गेमिंग करते हो, हैवी टास्क करते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, आराम से गेमिंग कर लो मोबाइल में, तो वहाँ बढ़िया काम किया। चलिए कैमराज में आ जाते हैं। तो मेन कैमरा है यहाँ पे आपको जो मिल जाता है, वो दो ही कैमरा दिए गए हैं, डुअल कैमरा का सपोर्ट आपको मिलता है, 50 मेगापिक्सल का मेन कैमरा मिलेगा जो सोनी के सेंसर के साथ आने वाला है, 4K वीडियो रिकॉर्ड कर पाओगे, वो इसके सपोर्ट होगा। इसके साथ एक और लेंस आपको देखने मिल जाएगा, वो शायद से टेलीस्कोप लेंस हो या डेप्थ सेंसर दे दें, कन्फर्म नहीं है अभी। सेल्फी बात कर लेता हूँ, तो सेल्फी बढ़िया कैमरा आपको यहाँ पे 16 पिक्सल सेल्फी भी देखने मिल सकती है, वहाँ से 1080 वीडियो बना पाओगे। बैटरी में अगर हम बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर आपको जो 4500 mAh की बैटरी मिल जाएगी प्लस टाइप सी, एंड 45W की फास्ट चार्जिंग। मुझे थोड़ा सा कम लगा, क्योंकि प्राइस में बताने वाला हूँ ना, मुझे उस हिसाब से थोड़ा सा कम लगा। UI में अगर बात कर लेते हैं, तो ये नथिंग OS के साथ आने वाला है, मतलब भाई नथिंग ब्रांड तो आ ही रहा है, OS भी आ रहा है लेकर ही, मुझे अच्छी बात लगी। तो और कहा जा रहा है ऑक्सीजन OS के साथ ही होने, ऑक्सीजन OS जैसा ही होने वाला है, तो पर्सनली मतलब आप लोग समझ लो भाई ऑक्सीजन OS कितना लेजेंड लेवल में आता है, वैसे ही ये भी होगा, तो बढ़िया हो जाने वाला है आप लोग के लिए, ठीक है। तो जिनको ऑक्सीजन OS पसंद था, वो यहाँ पर आपको अब थोड़ा सा फील मिलने वाला है। गाइस ये है पूरा यहाँ पर नथिंग फ़ोन वन। फ़ोन मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा है, और पर्सनली इस फ़ोन की जो प्राइस कहा जा रही है, उस प्राइस में पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा है। 30,000 रुपये में बोला जा रहा है कि इंडियन मार्केट में लॉन्च हो सकता है। 30,000 रुपये में मेरे हिसाब से कुछ चीज़ें इसको इम्प्रूवमेंट कर सकते थे, फास्ट चार्जिंग थोड़ी बढ़ा सकते थे, एंड कैमरा में डुअल एंड ट्रिपल कैमरा दे सकते थे, क्योंकि अभी एक वो चल रहा है, दैट्स वाई एक हाइप चल रही है, तो वो ठीक है। बट मुझे तो क्वालिटी से मतलब, लेट्स सी क्वालिटी कैसी होती है। वैसे पर्सनली मुझे लगता है कि क्योंकि इनका जो CEO है भाई वो बहुत अच्छे हैं, तो मुझे लगता है ऐसा तो होगा नहीं, बहुत अच्छे ब्रांड है। फाइनली बात करते हैं लॉन्च के बारे में, तो 12 जुलाई को ये इंडिया के अंदर भी लॉन्च हो जाएगा, ग्लोबली भी जा रहा है 12 तारीख को, और इंडिया के अंदर भी आपको 12 जुलाई को देखने मिल जाएगा। तो अगर आप लोग इंतज़ार कर रहे थे, तो 12 जुलाई को ही आपको मिल जाएगा, एंड ज़्यादा इंतज़ार करने की बात नहीं, थोड़े दिन बचे हैं, एंड यहाँ पर लेना चाहते हो तो फिर मुझे लगता है अराउंड जुलाई के 20 समथिंग में इसकी सेल भी आ जाएगी। तो कमेंट बताओ लेने वाले नहीं लेने वाले, मुझे फ़ोन बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि देखिए क्या है ना भाई, वन प्लस का जो एक हाइप था कि हमें कम प्राइस में बहुत अच्छा प्राइस मतलब चीज़ें देता था वन प्लस, वो वन प्लस नहीं दे रहा। वन प्लस का नया CEO आ गया, उन्होंने प्राइस इतने बढ़ाने लग गए हर बार, तो अब लेट्स सी जो वन प्लस के पुराने फॉर्मर CEO है वो यहाँ पर अपना नया ब्रांड लेकर आएँ, हो सकता है कुछ अच्छा करें, मुझे होप तो है। कमेंट करके बताओ आप लोग होप है कि नहीं, और आप लोग क्या आपको लगता है, तो पूरा बताना कमेंट करके। और अगर वीडियो पसंद आई है, तो आप लोग वीडियो को लाइक कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो। हम कोशिश करते हैं आप लोगों के लिए यहाँ पर डेली वीडियो बनाने को, कभी कभी नहीं हो पा रहा है, आजकल हम थोड़ा बहुत ज़्यादा लेट वीडियो बना रहे हैं, उसके लिए बहुत ज़्यादा सॉरी, बट पूरी कोशिश करेंगे कि आप लोगों को एकदम टाइम टू टाइम वीडियो मिले। एंड टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।